Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम टास्क पे। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से लाइव वीडियो या कोई यूट्यूब पर वीडियो नहीं लेके आया था, जिसका मूल कारण कई बिजी शेड्यूल्स और फिर वेडिंग सीजन भी था, ठीक है। तो इस वजह से मैं लगभग लाइव नहीं आ पाया था और आपसे बात नहीं कर पाया था यूट्यूब पर। दोस्तों, आज मैं LDC वालों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ ये, और इस वीडियो में हम जितने भी मेरे पास में आपके कमेंट्स वगैरह आते हैं उनका सारों का मैं रिप्लाई भी करूंगा आपको इस वीडियो के अंदर, और जो भी आपकी प्रोसीजर वगैरह है क्या है, आगे आपको क्या करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। दोस्तों, कट ऑफ की भी बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ में बने रहें। ओके दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि LDC का आपका सबका रिजल्ट आ गया, उम्मीद करता हूँ सभी का अच्छा आया होगा। मैंने मेरी तरफ से 100% करने की कोशिश की। आपने कितना सीखा, आपने कितना किया, ये आपके ऊपर डिपेंड किया, और जहाँ तक आपके कमेंट्स आए मेरे पास में, आपके व्हाट्सएप मैसेज आए, सब पढ़ करके मुझे बहुत खुशी भी हुई कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे फॉलो किया और अच्छे तरीके से पढ़ाई की और अच्छे स्कोर भी किया। दोस्तों, जब एक स्टूडेंट्स का जब एक कमेंट आता है और उस कमेंट के अंदर ये लिखा आता है कि सर हम आपकी वजह से, या सर आपकी मेहनत की वजह से, या आपने जो सिखाया उसकी वजह से आज हमको ये मिला है, या कुछ भी अचीवमेंट अगर आपको होती है तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है वो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के अच्छे स्कोर हुए, कुछ के कुछ थोड़ा स्कोर कम रहा, लेकिन एवरेज ये है कि 85 सभी के लगभग रहा है, ठीक है। एवरेज 85 लगभग रहा है टाइपिंग और इफिशियंसी का स्कोर। तो दोस्तों, जो ये स्कोर अब रहा है इसके बारे में, ठीक है, अपने इतने दिन स्कोर के बारे में बात कर रहे थे, इसकी कट ऑफ के बारे में कितने आएंगे, ये सब अपने सामने आ गया, ठीक है। रोल नंबर भी आ गए और मार्कशीट भी हमारी आ गई, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई अपने ख़त्म। इसके बाद अब जो प्रोसेस होगा वो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब बहुत सारे बच्चों कमेंट आ रहे हैं सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर वीडियो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर वीडियो, तो उसके लिए मैं इसलिए रुका हुआ हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बोला था कि आपको अपने मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और जो क्वालिफिकेशन जो आपने भरा है हायर क्वालिफिकेशन, उसकी जो मार्कशीट वगैरह है वो आपको तैयार करवा लेनी है, ये मैं आपको बोल चुका हूँ, ठीक है। बाकी के जो परफॉर्मेंस वगैरह है, चरित्र प्रमाण पत्र के हैं, वो सारी एक बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास में और जो मेल आएगी वो आ जाए, उसके बाद में हम आपको सारी डिटेल से एक वीडियो अलग से दूंगा, जिसमें आपका 1 by 1 हर एक डिटेल से आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या चीज़ भरनी है, कहाँ पर क्या चीज़ भरना है और किस तरीके से आपको इसे तैयार करवाना है, सारी जानकारी आपको दूंगा। और उसके अलावा जो आपके कमेंट्स आ रहे थे कट ऑफ के, तो कट ऑफ की बात भी हम इस वीडियो के अंदर कर देंगे आपके लास्ट के अंदर, कि कट ऑफ किस तरीके से अब रहने वाली है और क्या आगे प्रोसीजर होने वाला है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट की अगर बात करें, तो जैसे कि यू आर लवोल्टी में भी बताया था और ईरा बोस जी ने भी अपने फेसबुक पे पोस्ट भी की थी कि नवंबर के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है, दिसंबर के अंदर होने के चांसेस है, दिसंबर के अंदर हो सकता है, जिसका कारण भी आपको वहाँ पर बताया था उन्होंने, ठीक है। तो ये सब आपको पता है, आप डेली यूट्यूब सर्च करते रहते हैं, फेसबुक पे आप रहते हैं, सोशल मीडिया से आप सभी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और सभी का ग्रुप भी है, तो ग्रुप के थ्रू भी आपको पता लग जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं अब आज कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर दिसंबर में होगा, ठीक है, तो अब कट ऑफ की अगर मैं बात आपको बता देता हूँ, कट ऑफ का पहले मैटर बीच में रहते हैं, कट ऑफ क्या है हर कैटेगरी की, मैं आपको फाइनली कट ऑफ देता हूँ। मैंने किसी तरह का सर्वे नहीं किया है, लेकिन जो पिछले एग्जाम है उनके रिजल्ट आए हैं और बहुत सारे जो भी हुए हैं, MBC का एक जो ग्रुप बना हुआ था उसके अंदर काफ़ी बच्चों के कैंडिडेट्स की मार्कशीट वगैरह शेयर करी की थी उन्होंने, एक लिस्ट पूरी बनी हुई वहाँ पर से हो रही थी। उस MBC का मैं कन्फर्मेंटली जो एक्चुअल कट ऑफ है वो मैं उसका मुझे आइडिया लग गया है, और बाकी का सब का है तो वो भी पिछले एग्जाम्स को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम 2% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, और मैक्सिमम 3% है, ठीक है, 3 नहीं 2.5 मानिए आप, ठीक है, मिनिमम 2% कट ऑफ बढ़ेगी हर कैटेगरी में और 2.5% मैक्सिमम बढ़ेगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। 2% का मतलब 6 नंबर हो गए, ठीक है, और 2.5%
मैक्सिमम बढ़ने वाले 2.5% से ज़्यादा किसी भी कैटेगरी के अंदर कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि इतने दिन जो खेल था पूरा पूरा नंबर पे था, ठीक है, नंबर पे था, अब जो खेल है पूरा पूरा पॉइंट्स पॉइंट्स पे है। एक नंबर के अंदर भी 100 भी मिल सकते हैं, 200 भी मिल सकते हैं, 250 स्टूडेंट्स भी एक नंबर पे मिल सकते हैं, इसलिए अब पूरा पूरा खेल हो गया है पॉइंट्स पर। तो आप लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेगा, जिसके 2 नंबर 2.5 नंबर भी मतलब 2 या 2.5% भी है वो भी श्योर है एकदम, ठीक है। बाकी जहाँ तक मेरा विचार है, लगभग अगर बाकी भर्तियाँ पहले क्लियर होती है तो लगभग लगभग सभी का इसके अंदर 1.5 गुना जितने भी सिलेक्ट हुए सभी का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कट ऑफ की बात करें तो 2 से 2.5% बढ़ने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। ओके दोस्तों, पर्सनली अगर मैं बताना चाहूँ MBC की कट ऑफ, तो MBC कट ऑफ फिक्स है 195 रहने वाली है, ठीक है, ओनली 195, ठीक है, या 192, मैक्सिमम 195, मिनिमम 192, इससे ऊपर नीचे नहीं जाने वाली, ठीक है। 192 में जहाँ तक आइडिया लगा पाया हूँ वहाँ तक यह है कि 192 पर जितने भी कैंडिडेट हैं सभी का सिलेक्शन आराम से श्योरली हो जाएगा, ठीक है, 195 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कट ऑफ जो है वो आप देख लें, बाकी सब कुछ आप अपने मार्क्स वगैरह शेयर कर रहे हैं उससे आपको पता लग रहा है कितने कैंडिडेट कहाँ पर है, क्या है, कुछ है, ठीक है। मैं एवरेज जो टाइपिंग का PCCC का जो स्कोर रहा है वो 85 रहा है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है, 85 लगभग सभी कह रहा है, और सभी बच्चों ने अच्छा किया है, काम भी अच्छा किया है और अच्छा स्कोर भी मिला है उन्हें, ठीक है। और अब जिनके कुछ भी करेक्शन वगैरह है, तो जो अपने पोस्ट प्रेफरेंस के जो करेक्शन है, जिन्होंने से क्रेडिट पहले बना था नहीं भरा, ठीक है, ये सब बोर्ड जा करके आप वहाँ से करेक्शन करवा सकते हैं जो भी चालू है, ठीक है। और इसके अलावा अपने जो मार्कशीट वगैरह है, आधार कार्ड में अगर आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, कहीं नाम में इरर है, ठीक है, पैन कार्ड में आपके नाम में इरर है, कहीं भी जो भी आपका इरर है वो आप कंप्लीटली अभी सॉल्यूशन करवा लीजिए, क्योंकि बाकी फॉर्मेट बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जैसे आधार कार्ड में आप अगर आपका करेक्शन है उससे आपको होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो काम आप अभी करवा सकते हैं, अभी आपके पास में टाइम है, गोल्डन टाइम है, ताकि आपको आराम से, नहीं तो अभी नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो आप कब उसमें चेंजिंग कराएंगे ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन अभी आप चेंज करा सकते हैं। तो अच्छे तरीके से आप सब अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लें, कहीं एड्रेस में मिस्टेक अगर आपके आधार कार्ड वगैरह में तो आप चेंज करवा लें, ठीक है। जितनी भी आपके जो कार्ड्स है, जैसे वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सारे आप सही ढंग से करेक्शन करवा लें, ठीक है। इसके अलावा नाम वगैरह है, कई करेक्शन है, तो कहीं जहाँ भी आपको लगता रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पर रुकावट ये दे सकता है तो उसे आप सही करवा लें, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डिटेल वीडियो वो हमारा बाद में आ जाएगा। इसके अलावा काफ़ी दिनों से मेरे चैनल पे वो वीडियो आया नहीं था, जिसका मैंने आपको कारण भी बता दिया कि वो थोड़ा सा बिजी भी था, इस वजह से नहीं डाल पाया, लेकिन अब डेली और कंटिन्यू हमारे वीडियो आते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आज या कल में हाईकोर्ट LDC जो हाईकोर्ट के 4th ग्रेड की जो वैकेंसी आई है उसका भी वीडियो आ जाएगा, और इसके अलावा जो राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट का उसका भी वीडियो हम डाल देंगे कि क्या कुछ उसके अंदर बताया गया है, ठीक है। बाकी जितने भी जॉब लेट की वीडियो वो कंटिन्यू रहेंगे, और राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर की क्लासें भी जल्द हम शुरू कर देंगे, जिसका सेटअप लगभग ऑफलाइन क्लासें हमारे यहाँ पे शुरू हो चुकी है, ऑनलाइन क्लासें भी जल्द शुरू करा दी जाएगी, ठीक है। तो उसका भी सेटअप लगभग जल्दी पूरा हो जाएगा, तो वो भी शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। और जैसा हमने आपको LDC के अंदर कराया था, लगभग लगभग हमारे कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं था जो हमारे सिलेबस से जो हमने पढ़ाया था उससे आपके बाहर आया, हमने जितना कहा जितना पढ़ने को बोला सब कुछ उसके अंदर से था, आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि इस विश्वास के बाद आपका विश्वास कायम रहा, और इसी तरीके से सेम जैसा मैंने LDC में आपको कंप्यूटर कराया था उससे बेहतरीन कंप्यूटर है, सिलेबस है, वो पूरा मैं राजस्थान पुलिस का करवाने की कोशिश करूँगा। आप एक विश्वास के साथ में फिर से एग्जाम टास्क को शेयर करें, एग्जाम टास्क से जुड़ें, क्लास को कंटिन्यू देखें, ताकि आप अब कंप्यूटर के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओ। हिस्ट्री क्लास हैं वो भी मैंने ऑनलाइन लगाने का विचार कर रखा है, लेकिन वो जहाँ तक सेटअप संभव होगा तो मैं ज़रूर लगाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हिस्ट्री क्लासें भी आपके लिए लगवाऊँ, ठीक है। तो और बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी आपको देने की कोशिश करूँ। दोस्तों वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही के सहयोग की वजह से आज जो इस पोस्ट पे हूँ, आज इस मुकाम पे हूँ YouTube के इस कैरियर के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ, आप लोगों ने विश्वास किया,
ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ तक बढ़ पाया और आपका विश्वास सबसे बड़ा है। दोस्तों जितने भी बच्चों कमेंट मेरे को आए, जितने बच्चों के व्हाट्सअप रिप्लाई आए, सभी का मैंने रिप्लाई देने की कोशिश भी की और अब भी देने की आपके लिए हमेशा मैं तैयार हूँ। 24 घंटे आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। कभी भी आप मुझे व्हाट्सअप करें, लगभग आपको 5 से 6 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं फ्री रहता हूँ तो तुरंत कर देता हूँ, अगर नहीं फ्री होता हूँ तो शाम को आपको रिप्लाई मिल जाता है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मेरे आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो, वेबसाइट पे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी सभी जगह पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट के अंदर कर सकते हो। ठीक है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो एग्जाम टास्क, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको किसी भी तरह का डाउट हो, हमेशा आपके लिए मैं तैयार हूँ। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से छूट गई है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर देना। अब रेगुलरली जो भर्तियों के अपडेट है, कौन सी बुक्स वगैरह आपको पढ़नी है, अच्छी अच्छी बुक्स आपके लिए, राजस्थान पुलिस के लिए अलग कौन से सिलेबस के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है, वो सारी जानकारियाँ मैं आगे वीडियो के अंदर ले करके आता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक और शेयर और कर देना। धन्यवाद।